तो अपन ने देखा क्या, कैंडल का डायरेक्शन क्या हो रहा है। कैंडल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो रहा है, या तो फिर कैंडल का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो रहा है। अब उसके ऊपर आपको ज़्यादा ना सोचना नहीं है क्या कि ये हो गया चाहे वो हो गया। जो भाई ये सारी चीज़ें ना, सिस्टम जो है ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, पूरा का पूरा सिस्टम होता है। अच्छा ब्रोकर के पास हो गए तो काफ़ी अच्छा सिस्टम अपन आपको बना करके देते हैं। तो क्या होता है, सिस्टम आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बना कर देता है। तो यहाँ पर सी तो अपन ने ये देखी कि दो तरह की कैंडल स्टिक हो रही हैं, रेड हो रही है या फिर ग्रीन हो रही है ना। तो बीच की जो भी होती है उसको बॉडी कहते हैं अपन, बीच की चीज़ को अपन बॉडी कहते हैं, है ना। ऊपर जाएगी तो उसको कहेंगे क्या, ऊपर जाएगी तो उसको कहेंगे क्या, ग्रीन। और नीचे जाएगी तो उसको क्या कहेंगे अपन, रेड। नीचे जाएगी तो रेड, ऊपर जाएगी तो ग्रीन। और बाकी सेम चीज़ रहेगी, बॉडी तो वही रहेगी, तो बनेगी क्या, बॉडी विक विक। ठीक है, विक को एक चीज़ और बोलते हैं एक्चुअली में, शेडो भी बोलते हैं, अपर शेडो लोअर शेडो। तो कुछ जैसा बोलना बोलो, इतना ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, बट कैसे बन रही है आपको ये पता होना चाहिए, बोलने पे फ़र्क नहीं होता। ठीक है, तो ये बनी है क्या, बॉडी, एंड ये रेड कैंडल की बनी है बॉडी। तो सिंपल है भाई, बात क्लियर है। बीच वाली चीज़ को क्या कहेंगे, बॉडी, विक ऊपर और नीचे। ठीक है, सेम चीज़ शेडो ऊपर और नीचे। इस तरीके से क्या बना, कैंडल स्टिक अपनी बनकर तैयार हो गई। अपन को पूरा समझ में आ गया कि कैंडल स्टिक क्या होती है। यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, कम्युनिटी में पूछ लेना, जहाँ पर मैं मिलूँ पूछ लेना। मैं हम लोग देखो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई हो। तो यहाँ पर आप कमेंट करोगे तो हम लोग जल्दी से जल्दी रिप्लाई देंगे, कम्युनिटी में करोगे सबसे ज़्यादा जल्दी रिप्लाई कर देंगे। कम्युनिटी मेंबर्स को ये फ़ायदा होता है, सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो कम्युनिटी मेंबर्स को दी जाती है। ठीक है, तो कैंडल स्टिक यहाँ पर बन गई है। कम्युनिटी मेंबर्स क्या है, मैं सब चीज़ें बताऊंगा अभी। तो देखो कैंडल आपकी बन चुकी है, अब क्या करना है आपको, अगली चीज़ जो आती है अपन लोग पढ़ने वाले हैं। एंड वहीं से आज का बेस बन चुका है आपका, पूरा का पूरा आपका बेस बन चुका है। आपको जो जो मैंने नॉलेज दी है, इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अभी और नॉलेज जो मैं आपको देने वाला हूँ नेक्स्ट टू नथिंग कॉस्ट में। अब अपन बात करने वाले हैं क्या, इंडिकेटर्स की। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या है, तो यहाँ दिख रहा हूँ। ठीक है, इंडिकेटर्स फाइनली अपन आने वाले हैं इंडिकेटर्स। फिर एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, जो आपकी मेन स्ट्रैटेजी नहीं होगी। मेन स्ट्रैटेजी तो आप लोग खुद बनाओगे, एंड मैं आपको प्राइस एक्शन के थ्रू सिखाऊंगा। अभी एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है ना, एज अ बिगनर आपको इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी दूंगा मैं, होमवर्क दूंगा कि आप ये कर कर आओगे। ठीक है, तो आप उसको कर करके आओगे एंड रोज मेरे को बताओगे सर आज का ये होमवर्क किया, मैं चेक करूंगा, पर्सनली चेक करूंगा। ओके ये किया गुड, फिर ये किया गुड, ये किया गुड, ये किया गुड। उस तरीके से अपन लोग बाकायदा काम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इंडिकेटर्स क्या होता है, देखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं ना, ये वो टूल्स होते हैं। इंडिकेटर्स वो टूल्स होते हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो है सोचा है, उन लोगों ने अपना कुछ एनालाइज किया है। ठीक है, इस तरीके से बनाई है चीज़ मैंने, ओके ये मेरे को अच्छा सिग्नल दे रहा है, तो उस तरीके से उन्होंने इंडिकेटर्स का इजाद किया। किसी ने कोई सा इंडिकेटर बनाया, किसी दूसरे ने कोई सा इंडिकेटर बनाया, तो ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं। ये अपन को क्या करते हैं, अच्छा इंडिकेटर्स का यूज़ क्या होता है, इंडिकेटर्स करते क्या है ना, एक्चुअली में इंडिकेटर्स अपन को कुछ सिग्नल देते हैं क्या, कि आप यहाँ पर इंडिकेटर सिग्नल देते हैं कि आप कर लो क्या बाय, और यहाँ पर जाकर सिग्नल देंगे कि आप कर दो सेल। ठीक है, इंडिकेटर्स आपको बाय और सेल सिग्नल दे रहे हैं। अच्छा आप बोलोगे देखो सर इंडिकेटर मेरे को बाय सिग्नल भी दे रहा है, सेल सिग्नल भी दे रहा है, तो क्यों ना मैं इंडिकेटर्स के से ही काम करना चालू कर दो बिना प्राइस एक्शन के, है कि नहीं। मैं सिर्फ इंडिकेटर्स पर ही काम कर लेता हूँ ना, प्राइस एक्शन की ज़रूरत क्या है। देखो इंडिकेटर्स के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, सबसे पहली चीज़ अगर ये बाय सिग्नल दे रहे हैं तो आपके जैसे जितने लोग बैठे हुए हैं ना सबको ये बाय सिग्नल दे रहे हैं, जो कि वो इंडिकेटर्स पे काम कर रहे हैं, सबको ये सेम टू सेम बाय सिग्नल मिलने वाला है। दूसरी चीज़ सबसे जो ख़राब चीज़ है वो ये है कि इंडिकेटर्स आपको फॉल्स सिग्नल दे सकते हैं, यानी कि झूठा सिग्नल दे सकते हैं। हो सकता है ये आपको बोलेंगे सर बाय हो गया आप लोग खरीद लो, एंड आप खरीद लोगे, और ये तो बोलेगा नहीं 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 बाय तो हुआ ही नहीं था। तो भैया ये प्रॉब्लम आती है इंडिकेटर्स में, बाय होता है ये प्रॉब्लम आती है इंडिकेटर्स में, तो यही चीज़ होती है क्या इंडिकेटर्स की प्रॉब्लम।
ठीक है। अब थोड़ी अपन इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। और देखो यहाँ पर अपने एक बार बाय कर लिया, ठीक है, आप यहाँ पर जा करके इसको सेल करोगे, ठीक है। आपके जैसे जितने लोग बैठे हुए हैं ना, जो कि सेम इंडिकेटर पे काम कर रहे हैं, सबको सेम सेल सिग्नल देगा, सब लोग सेम सेल करेंगे और उस तरीके से इंडिकेटर काम करते हैं। प्राइस सेक्शन क्या होता है ये चीज़ देखो। प्राइस सेक्शन में आप नेकेड चार्ट को देखकर आप बताते हो अच्छा बाय होने वाला, अच्छा सेल होने वाला, ये होता है प्राइस सेक्शन। तो प्राइस सेक्शन बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ है, आप अभी वहाँ पर मत जाओ। यहाँ पर सिंपल ये देखो कि इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी आप करने वाले। अच्छा ये मत सोचना भी मत कि आप डायरेक्ट प्राइस सेक्शन में जा पाओगे, आपको सबसे पहले इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी करनी है, ठीक है। क्योंकि मैं आपके ना माइंड को, मैं आपके माइंड सेट कर रहा हूँ, मैं आपको माइंड को डेवलप कर रहा हूँ अभी। आप मेरे को मेरा काम करने दो भाई, जो जो भी मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, आप मेरे को मेरा काम करने दो। अगर आप मेरे को मेरा काम नहीं करने दोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, मेरे को कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है भाई, आपको प्रॉब्लम होगी, मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। तो इंडिकेटर्स अपन ने देख लिया कि इंडिकेटर्स होते हैं। देखो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ ना, मैकडी होता है एक, MACD। तो भाई मैकडी एक इंडिकेटर होता है। ये इंडिकेटर कुछ सर्टेन पैरामीटर्स पे बाय देता है, सर्टेन पैरामीटर्स पे सेल सिग्नल देता है, मूविंग एवरेज होता है। तो भाई मैं लिख देता हूँ एक काम, MACD मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये दोनों तरीके के होते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके के होते हैं, ये दो तरीके के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। मैं एक्चुअली अपना चेहरा हटा दूँ, मुझे आजकल ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली है ना, अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी से अपन लोग फिर आपको रिलेटेड होमवर्क देने वाला हूँ। तो ये रिलेटेड जो होमवर्क है ये आप लोगों को मुझे करके दिखाना है, सबको करके दिखाना है। तो ये होमवर्क क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको अभी जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली आप अभी पेपर ट्रेड करोगे, मैं अभी खैर बताता हूँ आपको। चलो सबसे पहले आपको करना क्या है स्ट्रैटेजी में, आपको स्ट्रैटेजी में करना क्या है, मूविंग एवरेज को लेना है, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो जो कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 में मतलब आपको सबसे पहले क्या जाना है, NSE इंडिया की वेबसाइट पे जाना है। ये मैं एक्चुअली निफ्टी 50 खोल कर रहा था, मुँह से निकल गया। तो NSE इंडिया की वेबसाइट पे जाओगे और यहाँ पर बाद में आप, मैं मूविंग एवरेज का आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले NSE इंडिया की वेबसाइट पर अपन जाते हैं। देखो NSE इंडिया की वेबसाइट पर कैसे जाना है, डायरेक्ट सर्च करना है NSE इंडिया, एक्चुअली लिखा ही आ गया मेरे यहाँ पे क्योंकि मैंने सर्च किया था NSE इंडिया। ओके सो सर्च करोगे, यहाँ पर जो पहले नंबर की वेबसाइट आएगी यहीं पर ही है, आपको क्लिक करना है। डायरेक्ट क्लिक किया आपने तो ये खुल गई भैया NSE इंडिया की वेबसाइट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है ये। अभी एक्चुअली में मार्केट हो चुका है क्लोज, ठीक है, मार्केट क्लोज हो चुका है तो आप यहाँ पर नहीं देख पा रहे हो कि क्या चल रहा है मार्केट का हाल। तो लाइव मार्केट का हाल यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, बट जब आप मार्केट ओपन रहेगा तो यहाँ पर मार्केट का हाल दिखाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर ओल्ड वेबसाइट की लिंक आ रही है। ओके ओके आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। सो यहाँ पे एक्चुअली में वो चेंज होता रह रहा है बार बार, ये रोटेट हो रहा है। ये देखो ये है मार्केट का हाल, यहाँ पर मार्केट की ऊपर वाली वैल्यू देखो, दो वैल्यूज़ हैं, एक है ऊपर वाली 13558.25 है ना, 13558.15, ये है क्या निफ्टी 50 की वैल्यू। निफ्टी 50 की वैल्यू ये है जिससे आपको अभी मतलब नहीं है, आप किससे मतलब है बताऊं, नीचे ये, ठीक है, नीचे का जो ये परसेंटेज है ना आपको इससे मतलब होने वाला है। ये परसेंट से आपको अभी बहुत ज़्यादा मतलब है, ये परसेंट से आपको अभी सबसे ज़्यादा मतलब इसी से ही है। आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि इसका कितना है। तो सबसे पहले करना क्या है, कुछ नहीं, NSE इंडिया की वेबसाइट पर गए आप, ठीक है, निफ्टी 50 गए, ठीक है, निफ्टी 50 कितना है आपको सबसे पहले ये देखना है। 9:15 पर मार्केट खुलेगा, मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली 9 बजे इंडिया का स्टॉक मार्केट खुलता है एंड 9:15 पर अपने लिए ओपन होता है ना, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए ओपन होता है। तो आप लोग मान के चलो 9:15 पर ओपन होगा, तो 9:15 पर ओपन होगा एंड आपको देखना है 9:15 से ले करके 9:30 तक, 9:30 तक क्या हाल है, निफ्टी 50 कितना है, ठीक है, 9:15 से ले करके 9:30 तक निफ्टी 50 कितने परसेंट ऊपर है। ये देखो ये परसेंट लिखा है ना, ये देखो 0.33% है ना, ध्यान दो, 0.33% अप। तो ऊपर होगा तो ग्रीन में लिखा रहेगा और नीचे होगा तो रेड पे लिखा रहेगा, देखो ये एरो भी बना हुआ है छोटा सा।
इस तरीके से आपको पता चलेगा निफ्टी 50 कितना है ना, 935 पे, एग्जैक्ट 935 पे निफ्टी 50 अगर, निफ्टी 50 अगर 0.25% के ऊपर होगा, 0.25% के ऊपर होगा तो आप क्या करोगे, तो आप ये मानोगे कि निफ्टी 50 जो है अप ट्रेंड में है, ठीक है, निफ्टी 50 अप ट्रेंड में यानी कि पॉजिटिव है। अभी एक बार फिर से बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। फिर उसके बाद अगर निफ्टी 50 कितने पर हो, माइनस 0.25 है ना, इससे कम हो, अगर निफ्टी 50 माइनस 0.25 से नीचे हुआ, कम हुआ, तो आप लोग ये मानोगे क्या कि जो निफ्टी 50 है डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, उस दिन। अब ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है, आप लोग डोंट वरी, कन्फ्यूज मत हो उससे, उससे कन्फ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को ये मानना है कि अगर 0.25 से ऊपर है तो आप लोग बाय वाली पोजिशन लोगे यानी कि लॉन्ग पोजिशन लोगे, अगर माइनस 0.25 से नीचे है तो आप शॉर्ट वाली पोजिशन लोगे, ठीक है। अगर माइनस 0.25 से कम है निफ्टी, निफ्टी 50 0.25 से, माइनस ऑफ 0.25 से कम है यानी कि 0.35 में मान लो, चलो 0.3 है, ठीक है, 0.45 है, ठीक है, इतनी तरीके की वैल्यू माइनस में है तो आप उस दिन सेल वाली पोजीशन लोगे, सेल, ठीक है, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेल। निफ्टी 50 अगर 0.25 से बड़ा है ना, मान लेते अपन 0.3 है, चलो 0.4 है प्लस में, है ना, प्लस 0.4, ठीक है, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर है प्लस, ठीक है, प्लस 0.4 से ऊपर है तो इस दिन आप क्या लोगे, बाय पोजीशन लोगे, है ना, यहाँ पर आप लोगे क्या, बाय, ठीक है। अब आप बोलोगे एक सवाल आएगा, इन दोनों के बीच में तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा तो आप कोई ट्रेड नहीं लोगे दिन भर के लिए, ठीक है, कोई ट्रेड नहीं लोगे, आप अपना जो सिस्टम है, लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है, मैकबुक है, ठीक है, आईपैड है, जो भी है आपके पास, उसको बंद करोगे और बैठ जाओगे, सो जाओगे, ठीक है। अब इसका अपन लॉजिक क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। एक्चुअली में अगर ये बीच में है ना, तो अपन ये मान के चलते हैं कि जो मार्केट है वो साइडवेज ट्रेंड हो रहा है, साइडवेज ट्रेंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर अपन मानते हैं अप ट्रेंड हो रहा है यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो अपन बाय ले रहे हैं, यहाँ पर अपन मानते हैं मार्केट नीचे जा रहा है तो अपन सेल ले रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। अगर ये अब मैं आपको एक नंबर लाइन बनाता हूँ, एक्चुअली अपन ना व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा धीरे, ये समझ गए ना आप लोग कि 0.35 लेना है आपको, बस इतना है, ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड पे लेकर चल रहा हूँ। या मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है, आप लोगों को ये ध्यान देना है ना, आप लोगों को ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको नंबर लाइन के थ्रू बताया क्या कि अगर ये है ना, और मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अपन ने देखा कि 0.25 है ना, 0.25 प्लस 0.25 से ऊपर है, ठीक है, प्लस 0.25 से ऊपर है तो यहाँ पर अपन बाय वाला पोजीशन लेंगे। कैसे लेना वो मैं बता रहा हूँ, पोजीशन क्या लेंगे मैं अभी अभी तो यही देख रहे हैं अपन, है ना, माइनस 0.25, माइनस 0.25 से नीचे है तो अपन सेल वाला लेंगे, ठीक है, सेल वाला लेंगे। यहाँ पर अपन ने बाय वाला लिया, यहाँ पर अपन सेल वाला लेंगे। अगर बीच में है तो अपन मान के चलेंगे मार्केट साइडवेज है, मतलब मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है उसको ऊपर जाना है कि उसको नीचे जाना है, अपन इस दिन कोई ट्रेड नहीं लेंगे। देखो आपको रोज रोज ट्रेड कभी नहीं लेनी होती, अपन को कम से कम ट्रेड लेनी है पर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेना है। यहाँ पर अपन ने बाय लिया, यहाँ पर अपन ने सेल लिया, यहाँ पर साइडवेज है तो अपन ने क्या किया, कुछ नहीं किया भाई, बंद कर गए, सो गए, अपन को काम करना है भाई, कपड़े भी तो धोने हैं कि नहीं धोने, बोलो। तो बाय का पोजीशन कब लेना है अपन को ये समझ में आ गया, सेल का पोजीशन कब लेना है अपन को ये समझ में आ गया, बट अपन ने चार चीज़ें सिलेक्ट करनी थी सबसे पहले। पहला चीज़ उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थी क्या, स्टॉक को सिलेक्ट करना है, ठीक है, स्टॉक को सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, बाय कब करना है, सेल कब करना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं स्टॉक को कब सिलेक्ट करना है। तो भाई यहाँ पर देखो मैं आप लोग एक चीज़ बताता हूँ, है ना, यहाँ पर सेम चीज़ है तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है क्या कि यू आर इन द न्यू NSE वेबसाइट, है ना, अगर आपको ओल्ड वेबसाइट पर जाना है तो यहाँ पर क्लिक करें। तो एक्चुअली मैंने ओल्ड वेबसाइट काफ़ी अच्छी है एंड न्यू भी अच्छी है, उसमें भी सेम फीचर्स थोड़े एडवांस भी हैं,
बट अपन जो करने वाले हैं, आप ये ओल्ड वेबसाइट पे चले जाना, सेम चीज़ है। देखो यहाँ पर भी निफ्टी 50 का परसेंटेज है, तो आप यहीं से देख लेना डायरेक्ट, है ना, बार बार इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। निफ्टी 50 का परसेंटेज आप यहाँ से देख लोगे, कौन क्या करना है आपको डिसाइड कर लिया कि बाय वाली पोजीशन लेनी है, सेल वाली पोजीशन लेनी है, ठीक है। जैसे ही हुआ तो आप यहाँ पर देखोगे लाइव मार्केट लिखा हुआ है, ये लाइव मार्केट पे जाना है। अब आपको ये लाइव मार्केट पे क्लिक करना है, मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे ही आप ये लाइव मार्केट पे क्लिक करोगे ये सब लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपन को देखना है क्या, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स, ठीक है। ये देखो, आप देखो पढ़ो यहाँ पे टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स कहाँ लिखा है, इधर 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 इधर, ये रहा देखो टॉप 10 गेनर्स लूजर्स, टॉप 10 गेनर्स लूजर्स, यहाँ पे क्लिक करोगे आप, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये खुल के आएगा, यहाँ पर गेनर्स हैं या लूजर्स हैं ये आपको पता चलेगा, टॉप 10 दिखाएगा ये, ठीक है। और एक और अच्छी चीज़ ये देख लो, यहीं पर निफ्टी का परसेंटेज भी दिखा रहा है, तो आप ये डायरेक्ट यहीं से काम करोगे पूरा का पूरा, यानी कि इसको खोल के रखोगे एक स्लाइड में, एक मोबाइल में खोल लो अगर आपके पास दो तीन सिस्टम है। तो जैसे मैंने देखो ऊपर खोल के रखा है अलग, यहाँ पे नीचे खोल के रखा है अलग, इस तरीके से आप भी कर सकते हो। देखो ना, यहाँ खोल के रखा है निफ्टी 50 और यहाँ पर है NSE इंडिया। इस तरीके से आप क्या करोगे, टॉप 10 गेनर्स ले लिया अपन ने और लूजर्स ले लिया। अब देखो जैसे कि सपोज करते हैं, देखो यहाँ पर मार्केट पॉजिटिव में है ना, 0.25 से ऊपर है, प्लस 0.25 से ऊपर है, तो मैं क्या करूँगा, बाय वाली पोजीशन लूँगा, है कि नहीं। अब बाय वाली पोजीशन कैसे लूँगा मैं, इनमें से टॉप 10 गेनर्स है ना, ये टॉप 10 गेनर्स हैं। देखो अगर, देखो मैं दिखाता हूँ, अगर निफ्टी 50 ऊपर है ना, यानी कि मुझे बाय वाली पोजीशन लेनी है, तो बाय वाली पोजीशन मैं गेनर्स में से लूँगा, टॉप 10 गेनर्स में से लूँगा। अगर सेल वाली पोजीशन लेनी है तो मैं लूजर्स में जाऊँगा, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर मैं काय में जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ किस में, बाय वाली पोजीशन में, क्यों, क्योंकि निफ्टी 50 इसके ऊपर है। लूजर्स में जाऊँगा कब, सेल वाली पोजीशन में, ठीक है। तो निफ्टी 50 अभी ऊपर है तो मैं जा रहा हूँ बाय वाली पोजीशन में, यानी कि गेनर्स में जा रहा हूँ। सेल वाली पोजीशन में कब जाऊँगा, यानी कि लूजर्स में कब जाऊँगा, जब ये नीचे होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्लिक करना है आपको, है ना। तो गेनर्स में जाते हैं अपन। अब देखो गेनर्स में ये है सब स्टॉक, ठीक है। तुरंत आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी 5 स्टॉक को सिलेक्ट करके अपनी प्लेलिस्ट में डाल देना, उठा करके आपकी प्लेलिस्ट होती है उसमें डाल देना उठा करके, या फिर एक सिंपल पेज लो और उन इनमें से कोई भी 5 का नाम लिख दो, बात खत्म। एक पेज ले लो, एक काम करो, एक पेज में इन 5 का नाम लिखना है और जल्दी से नाम लिख कर रख लेना है आपको, ठीक। जैसे ही आपने ये नाम लिख कर रख लिया तो आपका काम आधे से ज़्यादा वहाँ पर ख़त्म हो गया। अब चलती हैं आगे की प्रोसेस, अब अपन को इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई करनी है। देखो इन 5 को अपन ने देख लिया, ठीक है। अब ये 5 का अपन को एनालाइज करना है। सपोज करते हैं अपन यहाँ पर कोई भी एक स्टॉक इनमें से ले लिया अपन ने, तो LT मान लेते हैं, चलो। तो अब अपन LT को ओपन करेंगे, LT का चार्ट अपन को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले निफ्टी 50 की जगह अपन को LT लेना पड़ेगा, एंड LT सो गो, एंड ये ओपन नहीं होता एक्चुअली में ना, ये इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है हमारे वहाँ पे, उसको पता चल जाता है कि ये लोग यार काम की चीज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इंटरनेट में बंद कर देता हूँ। सो मैं एक बार इंटरनेट चेक कर लेता हूँ। ऑलराइट, ओपन ही हो गया वो तो, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या ओपन हो गया अपना, LT ओपन हो गया अभी ये। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर अभी देखो एक्चुअली में अगर आपको मतलब ना आपको लग रहा है कि इतना सब कुछ याद कैसे रह पाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा एंड आप उसको देख सकते हो, है ना। लेक्चर पढ़ा रहेगा, आप उसको देख लेना, तो आप वहाँ से फिर से ये पूरी प्रोसेस देख लेना और एक बार लिख कर रख लेना। अभी तो एक बार समझ लो, फिर ठीक है, फिर बाद में लिख कर रख लेना है, कोई जल्दी नहीं है, अभी समझ लो। समझने में प्रॉब्लम है, यहाँ कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ मैं फिर से नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। तो LT में आपको यहाँ देखना है कहाँ पर, 1 आवर पे, यहाँ पर मैंने 1 आवर का सेट है, आपको यहाँ क्लिक करना है, कितने पे जाना है, 5 मिनट पे, ठीक है। ये पूरा चार्ट निकल के आया, 1 मिनट पे जाना है, 2 मिनट पे, आपको इसमें से 5 मिनट का सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करना है। तो मैं अभी देखो 5 मिनट पे क्लिक करता हूँ, तो ये आ जाएगा क्या, 5 मिनट का चार्ट आ गया ये, ठीक है। ये पूरा 5 मिनट का चार्ट है, देख रहे हो पूरा चार्ट चेंज हो गया, ये 1 घंटे का यहाँ पर, और ये हो गया क्या, 5 मिनट का, ठीक है। ये है पूरा 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो अब ये 5 मिनट के चार्ट पे आपको कुछ इंडिकेटर्स लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ इंडिकेटर लगाने, नीचे टाइम फ्रेम आप देख सकते हो वैसे चाहो तो, ये टाइम फ्रेम चलता रहता है और यहाँ पर प्राइस चलता रहता है, ठीक है। और ये टाइम फ्रेम है, अलग अलग इस तरीके से चलते हैं, खैर
अब इनको उसकी अभी तो खैर इतना मजा नहीं है। तो अपन को यहाँ पर लगाने हैं अब कुछ इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इंडिकेटर्स देखो ऊपर लिखा हुआ है इंडिकेटर्स करके, ठीक है। देखो सब में अलग अलग लिखा रहता है, ठीक है। जीरोधा का मैं जीरोधा यूज़ कर रहा हूँ, तो जीरोधा में क्या लिखा हुआ है, इंडिकेटर्स करके लिखा हुआ है। अलग अलग ब्रोकर में अलग अलग लिखा रहता है, बट चीज़ें सेम रहती है ना। तो इंडिकेटर्स में क्लिक करोगे और आपको ढूंढना है क्या, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज तो यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज पर जाओ, एंड ये रहा मूविंग एवरेज। सी दिस इज मूविंग एवरेज। तो जैसे ही आप ये मूविंग एवरेज पर क्लिक करोगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मूविंग एवरेज लग गया है एक। अब मैं सबसे पहले इसको हटाता हूँ पूरा, ये रहा। तो ये जो मूविंग एवरेज है मैं इसको एडिट करता हूँ, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। देखो ध्यान दो, ये मूविंग एवरेज है, मैं इसका टाइम फ्रेम सेट कर रहा हूँ, है ना। हो सकता है अगर आप कोई दूसरा ब्रोकर यूज़ कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट मिल जाए। मैं जीरोधा यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए जीरोधा में ये ऑप्शन आते हैं, तीन ऑप्शन आते हैं। इसमें बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, सेटिंग का ऑप्शन होता है वो। तो ये सेटिंग के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। तो अब देखो यहाँ पर आपको लेंथ सब में आता है, ये तो सब में आएगा। लेंथ जो है वो आपको सिलेक्ट करनी है अपने हिसाब से, ठीक है। लेंथ मैं आपको बता रहा हूँ आपको कितनी लेनी है, लेंथ आपको जो मैं बोल रहा हूँ वही लेनी है। एंड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी कितनी, फाइव, पहली वाली फाइव। दो मूविंग एवरेज लगाने वाले हैं अपन, और पहले में अपन ने फाइव सेलेक्ट कर दी। तो अब ये जो मूविंग एवरेज लगेगी ना, ये फाइव लेंथ की होगी, और इसका कलर भी अपन को अभी चेंज करना है। तो अपन इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, स्टाइल में जाएंगे एंड कलर में कर देते हैं क्या, ग्रीन कलर की। ओके देखो, तो ये जो मूविंग एवरेज दिख रही है ना, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये है मूविंग एवरेज, दिख रही है, ये पूरी मूविंग एवरेज है। तो ये आ गई एक मूविंग एवरेज फाइव। अच्छा देखो मूविंग एवरेज क्या होती है ये आपको जानना भी ज़रूरी नहीं है, है ना। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, कोई मतलब नहीं है हमको। अभी नहीं भी पता है कोई बड़ी बात नहीं है, मूविंग एवरेज आपको जानना ज़रूरी नहीं है। आप ये देखो कि एक ग्रीन लाइन आ गई है भाई। दूसरी मूविंग एवरेज अपन को लगानी है कितनी, दूसरी मूविंग एवरेज अपन को लगानी है 20। यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज कहाँ लिखा हुआ है, फिर से सेम चीज़ मूविंग एवरेज पर फिर से क्लिक किया मैंने, तो ये आ गई है भाई इधर। एंड कलर कॉम्बिनेशन भी आप सेम ही रखो तो आगे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब मैं सेटिंग पर जाओ, फिर से इसकी सेटिंग पर जाओ, कलर कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ कौन क्या रखो, आप रेड रख दो। सो या रेड एक्चुअली में हुआ नहीं, ये वाला रेड अच्छा है। इनपुट में, इनपुट में यहाँ पर आप कर दो क्या, 20 2020। ओके सो यहाँ पर दो मूविंग एवरेज आ गई है ना, पहली ग्रीन कलर की, दूसरी रेड कलर की। ओके सो ग्रीन कलर की मूविंग एवरेज आ गई है और दूसरी मूविंग एवरेज आ गई है रेड कलर की। पर अब देखो मैंने आपको जो बताया था कि इंडिकेटर जो है मल्टीपली क्या फॉल्स सिग्नल दे देते हैं, फेलियर हो जाते हैं बहुत बार, है ना, फेलियर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, एक अपन एक और इंडिकेटर लेने वाले हैं, है ना। एक और इंडिकेटर कौन सा लेंगे, अपन लेंगे सुपर ट्रेंड। तो सिंपल, फिर से जाओगे आपके इसमें इंडिकेटर्स में, क्लिक करो एंड इंडिकेटर्स में आप जाओ सुपर ट्रेंड में। तो सुपर ट्रेंड करके कहाँ लिखा है भैया, सुपर ट्रेंड कहाँ हो, सुपर ट्रेंड कहाँ हो, सुपर ट्रेंड ये रहा देखो, ये देखो सुपर ट्रेंड, सुपरमैन नहीं, सुपर ट्रेंड, सलमान का फैन, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड में क्लिक कर दो। जैसे ही आपने सुपर ट्रेंड में क्लिक किया आपके पीछे आपको सुपर ट्रेंड दिखने लगेगा। एक्चुअली इसको हटाना पड़ेगा। तो ये रहा भैया सुपर ट्रेंड चालू है। एंड सुपर ट्रेंड में आपको एक चीज़ सेट करनी पड़ती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या, पीरियड और मल्टीप्लायर, है ना। सुपर ट्रेंड में पीरियड और मल्टीप्लायर, तो सेटिंग में आप जाओगे ना तो ये 10 और 3 पर ही सेट है। तो एक्चुअली मैं आपको 10 और 3 पर ही सेट करना है मल्टीप्लायर। पीरियड 10 होना चाहिए एंड जो फैक्टर होता है वो आपको मल्टीप्लायर यानी कि फैक्टर 3 पर सेट करना है। तो आप ओके कर दोगे ना, तो ये पूरा का पूरा सुपर ट्रेंड पीछे लग गया है आपके, ठीक है। ये पूरा का पूरा सुपर ट्रेंड लगा हुआ है इसमें। तो ये सर्टेन टाइम पर आपको बाय और सेल सिग्नल यहाँ पर मिलने वाला है, तो इसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। तो ये एक्चुअली मैंने थोड़ा सा चेंज किया अभी। तो देखो सुपर ट्रेंड लगा हुआ है एंड दिन की स्टार्टिंग जहाँ पर हो रही है ना, आज जो भी डेट हो, खैर अपन को मतलब नहीं है उससे, पर अपन ने एक्चुअली में आज ही का देखा है ना, तो अपन को यहीं पे आज का ही देखना है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ अपन को अलग अलग चीज़ें देखनी है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, तो एक्चुअली में ना देखो सुपर ट्रेंड में भी एक रेड और
ग्रीन कलर की लाइनें हो रही हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने का बता रहा हूँ आपको। सुपर ट्रेंड मी सेटिंग में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्टाइल आएगा लिख के, है ना, स्टाइल आएगा लाइन लाइन विद ब्रेक, तो आप इस पर क्लिक कर दो। सो या अब देखो यहाँ पर ध्यान दो कि जब भी ये एरो आपको शो करेगा, है ना, ये एरो आपको शो करेगा, ये एक बाय सिग्नल देगा, ठीक। अच्छा, अगर यहाँ पर ना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है एक्चुअली, मुझे लग रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि आप कन्फ्यूज हो, तो भाई मूविंग एवरेज का मैं कलर कर देता हूँ क्या, रेड से हटा करके अपन ने सेट कर दिया कोई भी एक कलर, पिंक ले लिया, चलो ठीक है। और मूविंग एवरेज जो 5 वाली है, इसका अपन ने कर दिया कलर कर दिया कितना, ग्रीन से हटा करके अपन ने कर दिया क्या, तो येलो, ओके चलो ये दिख रहा है, है ना, तो येलो और क्या कर दिया अपन ने, येलो और पिंक, ठीक है। येलो वाली कौन सी है, 5 मूविंग एवरेज, ये देखो यहाँ लिखा है येलो वाली 5 मूविंग एवरेज, पिंक वाली कौन सी 20 मूविंग एवरेज, और सुपर ट्रेंड का कलर एक्चुअली में कलर कॉम्बिनेशन सेम नहीं हो रहा था, सेम हो रहा था सुपर ट्रेंड और अपने मूविंग एवरेज का, इसलिए अपन ने चेंज कर दिया उसको, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम उससे, है ना, कोई बड़ी थोड़ी है। देखो अपन को करना क्या है, देखो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि जो येल्लो वाला जो मूविंग एवरेज है पिंक वाले मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, येल्लो वाला मूविंग एवरेज पिंक वाले मूविंग एवरेज के ऊपर निकले, ठीक है, तो ये क्या होगा, बाय, और पिंक वाला मूविंग एवरेज येल्लो वाले मूविंग एवरेज के ऊपर निकले तो ये होगा सेल, है ना, यानी कि शॉर्ट पोजीशन में ये देखोगे, लॉन्ग पोजीशन में ये देखोगे आप, ठीक है। अभी तो अपन लॉन्ग पोजीशन देखने वाले हैं ना, तो अपन यहाँ पर क्या देखेंगे, ये देखेंगे अपन, ठीक। तो अपन को ये देखना है कि येल्लो वाला जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, सबसे पहला येल्लो वाला मूविंग एवरेज पिंक वाले के ऊपर होना चाहिए, ओके। देखो सारे इंडिकेटर्स लगाना मैंने आपको बता दिया, तीन इंडिकेटर्स अपन लगा रहे हैं टोटल, ठीक। तो यहाँ पर देखो येल्लो वाला मूविंग एवरेज पिंक वाले के ऊपर होना चाहिए, ऑल राइट, ये निकल गया ऊपर, ठीक। ये देखो इधर पर क्रॉसिंग हो रही है, येल्लो वाला पिंक वाले के ऊपर निकल गया, ऑल राइट। अब अपन को ये देखना है क्या सुपर ट्रेंड का सिग्नल कब देख रहा है। अच्छा देखो चार्ट में ना, ये वाले चार्ट में बहुत सारी वॉइस दिखाई दे रही है, ठीक है, कुछ भी ढंग से दिख नहीं रहा है। तो मैं अभी बिगनर के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैंडल स्टिक हटा दो, यहाँ पर क्लिक करोगे ना कैंडल बनी है छोटी छोटी, ये देखो ये रही कैंडल बनी है छोटी छोटी, इधर पर क्लिक करो। सो आपने एक बार जैसे इस पर क्लिक किया आपको यहाँ पर दिखाई देगा हीकन ऐशी, कैंडल्स हैं, अपन कैंडल से हटा करके हीकन ऐशी आ रहा हूँ। ये हीकन ऐशी मैं इसलिए आ रहा हूँ ना कि अभी आपको दिखेगा कि ये सारी कैंडल देखो जो ऊपर नीचे दिख रहा है ना, ये पूरी चला जाएंगे, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी आपको, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। कैंडल्स देखो सेम चीज़ कैंडल, ठीक है, कैसी दिख रही है कैंडल, ऊपर नीचे, तो आपको उतना क्लियर नहीं दिखाई देगा अभी के लिए। अब हीकन ऐशी में आओ, ये देखो हीकन ऐशी में आ गए अपन, तो ये पहुंच गए अपन हीकन ऐशी में, अपन को बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है भाई, कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है। देखो ये गया ऊपर तो ऊपर ही ऊपर, नीचे तो नीचे ही नीचे, ऊपर तो ऊपर ही ऊपर, नीचे तो नीचे ही नीचे, ऊपर तो ऊपर ही ऊपर, नीचे तो नीचे ही नीचे, ऊपर तो ऊपर ही। तो अपन को स्ट्रेट क्लियर कट साफ सुथरा चार्ट हो गया अपना, ठीक है। बिगनर्स के लिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई हीकन ऐशी पर ही काम करो अभी। देखो अब देखो यहाँ पर देखो, कल ये मूविंग एवरेज जो है पीला वाला पिंक वाले के ऊपर चला गया था, पीला वाला पिंक वाले के ऊपर चला गया था मूविंग एवरेज, तो पिंक वाला मूविंग एवरेज जो है पीला वाला मूविंग एवरेज जो है पिंक वाले के ऊपर चला गया था। अपन ने ये क्रॉसिंग देख ली, सबसे पहली चीज़ क्रॉस चेक कर लिया अपन ने क्या, पीला वाला जो है पिंक वाले के ऊपर गया। दूसरी चीज़ अपन ने ये सेट कर दिया हीकन ऐशी, ठीक है। तीसरी चीज़ अब अपन देख रहे हैं बाय सिग्नल सुपर ट्रेंड कब देगा, बाय सिग्नल कब देगा सुपर ट्रेंड। तो ये देखो ये है बाय सिग्नल, ये छोटा सा एरो देख रहे हो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये है बाय सिग्नल, ये सुपर ट्रेंड ने दिया है, ये बाय सिग्नल है। सेम चीज़ आप देखोगे ना सेल का अगर सिग्नल होता है तो ये देखो ये छोटा सा रेड सिग्नल दिया, तो ये होता है एरो है, ये देखो एरो दिख रहा है ना, ये इस तरीके का, ये ध्यान दो यार, बड़ा कर दूं क्या, और नहीं दिख रहा क्या, ये देखो ये एरो, ठीक है, यहाँ पर देखो ये एरो, ठीक है।
तो जैसे ही आपको ये मिलेगा, ठीक है, शुरुआत के अपने क्या बोला, 9:35, 9:35 तक आपको ये करना ही नहीं है। 9:35 के बाद, 9:35 के बाद अगर आपको ये दिखेगा तभी आप एंट्री लोगे, ठीक है। तो एंट्री कहाँ पर लेनी है, जैसे ही आपको ये दिखेगा, ये एरो दिखेगा ना, आपको इस कैंडल पर एंट्री नहीं लेनी है, आप एंट्री लोगे इस कैंडल की स्टार्टिंग में, यानी कि जैसे ही ये वाली कैंडल ख़त्म होगी ना, बनना बंद हुई, ठीक है, ये वाली कैंडल बनना स्टार्ट हुई यहाँ पर, ठीक है, ये वाली कैंडल इधर पर आई, बनना स्टार्ट हुई, जैसे ही स्टार्ट हुई आप वहाँ पर एंट्री ले लोगे, ठीक है, यहाँ पर एंट्री ले लोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है अपना स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस अपन ने बात करी थी, एंट्री हो गई, अपन ने स्टॉप लॉस हो गई, ठीक है। अब अपन को देखना है क्या एग्जिट कब करना है, एग्जिट अपन को देखो कब करना है, एग्जिट करने का इसका एक क्राइटेरिया होता है, देखो जब कैंडल की विक, जब किसी भी कैंडल की विक उसके नेक्स्ट कैंडल के नेक्स्ट कैंडल की लोएस्ट पॉइंट के नीचे चला गया, ठीक, तब आपको एग्जिट करना है। देखो समझ, अभी समझे नहीं होगे, मेरे को पता है नहीं समझोगे। देखो कैंडल जो है, इसकी जो विक है ना, विक जो होती है ये नीचे वाली जो विक होती है, ये पिछले के पिछले कैंडल की लोएस्ट पॉइंट के नीचे चला जाएगा, तब अपन निकलेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अपन ने लिया कहाँ पे एंट्री ली, अपन ने इस पॉइंट पर एंट्री ले ली, ओके। सो अगली कैंडल ये बनी, तो अपन इसकी लोएस्ट पॉइंट को देखेंगे, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, इसके लोएस्ट नेक्स्ट के नेक्स्ट कैंडल के नीचे नहीं गया, ओके, तो यहाँ नहीं निकले अपन। अगली कैंडल बनी, अगली कैंडल ये वाली बन गई, बन गई है ना, बन गई पूरी की पूरी, बन गई। जैसे ये बनना ख़त्म हुई, अपन देखेंगे तुरंत इसकी जो विक है, लोएस्ट पॉइंट, ये वाला जो लोएस्ट पॉइंट है ना, एक्चुअली मैं ये कर्सर हटा देता हूँ, या लोएस्ट पॉइंट जो है नेक्स्ट के नेक्स्ट कैंडल के लोएस्ट पॉइंट के ऊपर है, तो अपन नहीं एग्जिट होंगे। अगली कैंडल बनी, जैसे ही ये बनना, अरे यार, जैसे ही ये बनना ख़त्म हुई, तो इसका लोएस्ट पॉइंट इसकी प्रीवियस के प्रीवियस कैंडल के नीचे है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये वाली कैंडल जो होगी, जहाँ पर अपन एग्जिट करेंगे, और एग्जिट पता कहाँ करेंगे, अगली जो कैंडल बनी, अगली जो कैंडल बनी इसकी स्टार्टिंग पे, अगली कैंडल की स्टार्टिंग पर अपन कर देंगे क्या एग्जिट, एग्जिट, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा जहां पर अपन ने एग्जिट कर दिया ट्रेड को, ठीक है, समझे क्या नहीं। देखो सेम चीज मैं फिर से समझा रहा हूं, अपन ने या अगली कैंडल बनी, यहां पर अपन ने एंट्री ली थी, ओके, यहां पर हुआ क्या स्टॉप लॉस, ठीक है। अब अपन देखेंगे अगली कैंडल जो भी बन रही है उसका लोएस्ट पॉइंट कहाँ पर है, अगली कैंडल जो है इसका लोएस्ट पॉइंट ये है, प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल अपन ने देखी उसके ऊपर है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगली कैंडल अपन ने देखी, उसकी अगली कैंडल जो बनी है ये है उसका लोएस्ट पॉइंट प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल के ऊपर है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगली कैंडल जो बनी, ये अगली कैंडल बनी है एंड इसका लोएस्ट पॉइंट प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल के नीचे है, तो यहाँ पर अपन होंगे एग्जिट। सेम चीज, अगली कैंडल जैसी बनी अपन हो गए एग्जिट। ऑलवेज जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, आप स्ट्रैटेजी पूरी पूरी फॉलो करोगे एंड तक, अंत तक, जब तक स्ट्रैटेजी नहीं हुई है तब तक आप ट्रेड में बने रहोगे, और जब तक स्ट्रैटेजी की पूरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होंगी तब तक आप एंट्री नहीं लोगे। अभी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होने वाला है, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, मैं अभी फिर से भी बता दूंगा। तो यहाँ ध्यान दो, मैं एक बार सेल में बता रहा हूँ, ठीक है। सील का सिग्नल आता है कहाँ पर, चलो अपन मान लेते हैं क्या कि जो निफ्टी है नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, निफ्टी जो है नीचे की तरफ जा रहा है एंड 9:35 के बाद आप जिस भी टाइम पर देखोगे, जिस भी टाइम पर ट्रेडिंग करोगे उसी टाइम का देखोगे निफ्टी 50 का कितने परसेंटेज है, ठीक है। तो निफ्टी 50 अभी इधर आ गया, ठीक है, अपन को क्या देखना था सेल सिग्नल में, अपन लोग क्या देखने वाले थे, जो पिंक वाली लाइन है येलो लाइन के ऊपर होनी चाहिए, ठीक, पिंक वाली लाइन येलो लाइन के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन ने ये देख लिया पहली चीज, हीके नेशन में ऑलरेडी है, सुपर ट्रेंड ने दिया यहाँ पर सिग्नल, ओके, सुपर ट्रेंड ने दे दिया सिग्नल, तो यहाँ पर लेंगे अपन एंट्री, ठीक। यहाँ पर अपन ने जैसी एंट्री ली,
अगली कैंडल की स्टार्टिंग पर अपन ने एंट्री ली, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने रैंडम सिलेक्ट किया ना, इसलिए ये अभी हर कहीं पे इसने एंट्री दे दी है, तो एक्चुअली में तो ये है नहीं ना निफ्टी, ये तो पॉजिटिव बायर्स में ये तो बायर्स में है, अपन सेलर सेलिंग में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो अगली जो कैंडल बनी प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल के, इसका अपर अपर पॉइंट लेंगे अब अपन। वहाँ पर क्या लोअर पॉइंट ले रहे थे, बाय पर अपन ने लोअर पॉइंट लिया था, सेल में अपन ने अपर पॉइंट लिया, ठीक है। टॉप का जो पॉइंट है, यहाँ ध्यान दो, टॉप का जो पॉइंट है ये प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल के ऊपर है अगर, हाँ तो ये है, तो अपन को इसकी अगली कैंडल की स्टार्टिंग में एग्जिट होना है, ठीक है। एक्चुअली देखो अपन ने रैंडम कोई भी ट्रेड उठा ली, बट स्टिल इसने इतना प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। बट स्टिल इस तरीके से नहीं करना, आपको निफ्टी फिफ्टी का एग्जैक्ट परसेंटेज देखना है ना, ये मेरा तरीका था, मुझे आपको बताना था, एंड इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। सिंपल चीज़ क्या करना है, सबसे पहली चीज़ लिखो लिखो लिखो, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, निफ्टी 50 का परसेंटेज देखना है कितना परसेंट है। ये इंडिकेटर्स आप लगा लोगे, इसके बाद का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको सेकेंड चीज़ जो करनी है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, ठीक है, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर। तीसरी चीज सुपर ट्रेंड, ट्रेंड एंट्री। अब जैसे सुपर ट्रेंड भी एंट्री दे दी, मूविंग एवरेज ने भी एंट्री दे दी, निफ्टी 50 भी अपने फेवर में है, तब अपन ने एंट्री ली और एग्जिट, फोर्थ एग्जिट कहां पर, हीकन ऐशी जब अपन को सिग्नल देगा प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल वाला, वहाँ पर अपन हो जाएंगे एग्जिट। अगर अभी भी कोई डाउट आ रहा है इसमें तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हो, ठीक है, दो बार देखो मैं तो कह रहा हूँ, अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे से आके पूछ लो, ठीक। अब आप क्या करने वाले हो, इनको नोट डाउन करो, आप कोई भी असली ट्रेड नहीं लोगे, सिंपल सी बात है, कोई भी आप असली ट्रेड नहीं लेने वाले हो, आप क्या करोगे, पेपर ट्रेडिंग करने वाले हो। पेपर ट्रेडिंग कैसी होती है, अब मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। ये आप उनको कैसे करना है, आपने ये पूरा देख लिया है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ, अगर होगा वैसे भी तो भी आप क्या करोगे, सिंपल कम्युनिटी में होगे तो मेरे से पूछ ही लोगे, है ना। तो कम्युनिटी में मैं आपको फिर से बता दूंगा, 10-10 बार भी बताने को तैयार, आप पूछो तो सही, ठीक है, आपको पूछना पड़ेगा पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने ये देख लिया, अब आपको पेपर ट्रेड कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। तो भैया अपन ने देख लिया, ये पूरी चीज़ें अपनी हो गई हैं, अब अपन को फाइनली देखना है कि पेपर ट्रेड कैसे करना है आपको। सबसे पहले पेपर ट्रेड, ठीक, इसमें सबसे पहले आप टॉप राइट में लिखोगे निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी 50 आप लिखोगे तो ये रहा, ठीक है। निफ्टी 50 का कितना परसेंटेज था आप वो लिखोगे, कितना परसेंटेज निफ्टी 50, सपोज करते हैं अपन 0.35 था, चलो मान लो, ठीक है, 0.25 से ज़्यादा था, 0.35 था निफ्टी 50 का परसेंटेज, ऑल राइट। अब आप क्या करोगे, अब अपन क्या करेंगे, एक्चुअली कलर रेड है सो ये कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, कलर से कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे क्या स्टॉक कौन सा है, नेम मान लेते अपन क्या ITC, ओके, ठीक है। अब सिंपल सी बात, अगली चीज जो आती है वो है क्या, वो है अपना कैपिटल, आपका कैपिटल क्या है, तो कैपिटल सपोज करते हैं कैपिटल है आपका 10,000 रुपीज़ या 2,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़, जितना भी है, तो अपन मान के चलते हैं 10,000, ठीक है। आपको असली ट्रेड नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, पेपर ट्रेडिंग करनी है ना, पेपर पे करना है ये सब काम। तो आपने कैपिटल ले लिया कितना, 10,000 रुपीज़, ओके। अब क्या करना है आपको, अगली चीज़ पे जाना है, लेवरेज। हर ट्रेड में आपको लेवरेज मिलेगा ना, तो इंटू 10 टाइम बाय डिफॉल्ट मान लो आप, तो इंटू 10 टाइम मिलने वाला है लेवरेज, ठीक है। तो कैश फॉर ट्रेडिंग, ठीक है, तो कैश फॉर ट्रेडिंग 10,000 × 10 कितना हो गया, 1,00,000, ठीक है। तो 1,00,000 रुपीज हो गया आपके पास ट्रेडिंग के लिए, ठीक।
अगले स्टेप पर आते हैं अपन, मैं थोड़ा सा कलर इसको अच्छा कर देता हूँ। तो अगले स्टेप पर आते हैं अपन, क्या बाइंग प्राइस कितना था? तो बाइंग प्राइस, बाइंग प्राइस आप नोट डाउन करोगे आप कितने पर खरीद रहे हो। अपन अज्यूम कर लेते हैं स्टॉक का बाइंग प्राइस है कुछ 100 रुपीज, ठीक है। अब अगले पर अपन आते हैं, बाइंग प्राइस अपन ने नोट डाउन कर लिया, अब नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स आप कैसे निकालोगे? जल्दी से कैश फॉर ट्रेडिंग को बाइंग प्राइस से डिवाइड कर देना, ठीक है। सीखा होगा ना बचपन में डिवाइड कैसे करते हैं, क्या 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, आ गया नंबर ऑफ शेयर्स, है कि नहीं? अगर नहीं आता ना तो नंबर ऑफ शेयर्स आप तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, जितना भी होगा डिवाइड कर देना, कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना, मोबाइल में कैलकुलेटर का जो भी करना आप अपना रास्ता देख लोगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए अपने 1000, ठीक है। तो 1000 शेयर्स अपने हो गए, अपन ने 1000 शेयर्स ले लिए, ठीक है, मान के चलो 1000 शेयर्स हो गए अपने। अब लेट करते हैं अपना कितना सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस अपन मान लेते हैं कुछ 102 है, ठीक है। सो यहां लिख देता हूं ये 102 रुपीज, ठीक है। 100 रुपीज कैश फॉर ट्रेडिंग इज 1 lakh rupees एंड एक्चुअल अमाउंट इज 1000 रुपीज़। मैंने यहाँ पे 10,000 लिया है ना, सो या मैंने 10,000 लिया है यहाँ पे, ठीक। तो अब यहाँ पर अपन को देखना है क्या कि प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट या फिर लॉस पर शेयर, पर शेयर कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो ये कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, यही तो होता है ना भाई। जितना में कैसे होगा, देखो 100 रुपया की चीज़ है, अगर आप बेच रहे हो 102 रुपया में, तो आपका फ़ायदा कितना होगा, 102 माइनस 100, है ना। तो वही चीज़ सेम करनी है, 102 माइनस 100 सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस विच इज़ 2 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ पर देख लो भैया, 2 रुपया है, 1 शेयर पे आपको 2 रुपया मुनाफा हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ लिखो टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इज 2 इंटू कितना नंबर ऑफ शेयर्स, 2 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, 1 शेयर पे 2 रुपया, 1000 शेयर पे इंटू 1000 इक्वल टू 2000 रुपीज। अब सोचो एक बार सोचो, अगर आपने ये ट्रेड सही में ली होती तो 2000 रुपये का मुनाफा होता, बिल्कुल वो बिल्कुल होता। पर इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी इतनी आसानी से काम नहीं करती, इसमें काफ़ी सारे फॉल्ट भी हैं। तो अपन भाई, मैं तो आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये है ना आपकी साइकोलॉजी, मेंटल साइकोलॉजी को डेवलप करेगा। तो ये जैसे ही आपने पूरा ट्रेडिंग करी, ठीक है, ये पूरी ट्रेडिंग करी, पेपर में आप ट्रेड करो, कोई ऐप यूज़ मत करना प्लीज़, कोई ऐप यूज़ मत करना। आप एक्सेल शीट यूज़ कर सकते हो चाहो तो, अगर आपको जानना है एक्सेल शीट से कैसे पेपर ट्रेड करते हैं तो भाई मेरे को बता देना नीचे, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अभी इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं अपन। तो जैसे ही आप इसको कर लोगे पूरा, आपने ट्रेडिंग कर ली, आप क्या करोगे, इसको पूरी जो आपने पेपर में लिखे हैं ना, ये सारी चीज़ें जो पैरामीटर लिखा हुआ है, ठीक है, नेम, कैपिटल, लेवरेज, कैश फॉर ट्रेडिंग, बाइंग प्राइस, नंबर ऑफ शेयर, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस और टोटल प्रॉफिट, इतना पूरा लिखने के बाद आप ये पूरा फोटो खींचोगे और अपनी कम्युनिटी में डालोगे। मैं आपको दिखाता हूँ कम्युनिटी कैसी है। दिस इज माई कम्युनिटी, एंड एक बार आप लोग हम लोगों के साथ एनरोल करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। सो आप लोगों को बता दूँ रूल्स एंड अनाउंसमेंट, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको साथ साथ में हम लोग क्या क्या देते हैं ये सब दिखा रहा हूँ मैं। तो बिगनर्स लेक्चर्स, इसमें आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग के टाइम पे आपको क्या क्या करना चाहिए वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेपर ट्रेड्स, ये जो पेपर ट्रेड्स करके यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर आप लोग अपने पेपर ट्रेड्स को डालने वाले हो, ठीक है। आप लोग अपने पेपर ट्रेड्स को यहीं पर डालोगे, मैं एक मिनट अपना कैमरा चालू कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ ध्यान दो, ये पूरी कम्युनिटी में जब मैं आपको ऐड कर दूंगा तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ पेपर ट्रेड है ना, यहाँ पर आप लोग अपनी पेपर ट्रेड्स को डालोगे, ठीक है। जैसे ही पेपर ट्रेड्स को क्लिक करोगे, सी यहाँ पर लोगों ने अपने अपनी पेपर ट्रेड्स डाली हुई हैं। अब देखो ये कोई भी एक पेपर ट्रेड आप उठा लो, ठीक है,
इस तरीके से दिखती हैं। देखो इस तरीके से पेपर ट्रेड्स नज़र आती हैं। सी देखो, निफ्टी 50 कितने परसेंटेज पर है, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रेड बाय अमाउंट, ठीक है, इसने थोड़े थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं बट स्टिल सही है। टोटल प्रॉफिट अपन को इन केस बताना है, बाय ऑर्डर है, क्वांटिटी कितनी है, स्टॉप लॉस कितना है, सेल ऑर्डर कितना है, प्रॉफिट कितना है, ठीक है, अमाउंट अवेलेबल फॉर बाइंग, लेवरेज, मेन चीज़ ये है जो जो मैंने आपको बताई है, मेन चीज़ वही है, ठीक है। निफ्टी 50 का परसेंटेज, यहाँ पर स्टॉक का नाम लिखना है, ठीक है, फिर उसके बाद अमाउंट फॉर ट्रेडिंग, ठीक है, लेवरेज, ठीक है, उसके बाद अमाउंट अवेलेबल, फिर उसके बाद क्वांटिटी, स्टॉप लॉस, सेल ऑर्डर, प्रॉफिट, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से आपको करना है। एंड आपको ट्रेडिंग में हम लोग और भी कम्युनिटी में और भी ट्रेडिंग के बेनिफिट्स हम लोग देते हैं, ठीक है। सी आप देख सकते हो एडवांस के लेक्चर्स, सुपर एडवांस लेक्चर या फिर प्रो लेक्चर्स जिनको कहते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रो प्लेयर बनने की पूरी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूज़ बताया जाता है, फिर उसके बाद मीम्स भी है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग मीम्स रखते हैं। एंड तो ऊपर जैसे आते हैं मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पूरे ट्रेडर्स लोग हम लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कॉमन चैट में हम लोग क्या क्या बातें होती रहती हैं, ये सारी चीज़ें आपको देते हैं हम लोग हमारी कम्युनिटी में। एक बार आप लोग एनरोल कर लोगे तो उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है हम लोगों की, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है हम लोगों की, एक माइनर सी कॉस्ट है जिसमें हम लोग आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं। सो अपन लोग चलते हैं ब्लैंक पेज पे, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट हमारी बहुत ही कम है, ठीक है। मैं आप अब आप लोग एक चीज़ बोल लोगे यार ये बार बार कॉस्ट क्यों नहीं बता, देखो कॉस्ट डिपेंड करती है आप लोग कब ये वीडियो देख रहे हो, है ना। अगर आप अभी देख रहे हो तो आपको अभी के हिसाब से पता चल जाएगी। देखो वीडियो पर डिपेंड करती है। सी नीचे हम लोगों ने काफ़ी सारे लिंक्स दी हुई है, ठीक है, पहला एक फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप वो फॉर्म को फिल करोगे हम लोग पर्सनली आपको कांटेक्ट करेंगे, हमारी टीम या फिर मैं खुद आपको कांटेक्ट करूंगा एंड आपको सारी डिटेल्स बताएंगे हम लोग, एंड उसके हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको एनरोल करना है या नहीं। दूसरी चीज़, अगर आपको फॉर्म फिल नहीं करना है तो आप क्या करो, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पर चले जाओ, palash.sahu.9, उसके बाद अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप क्या करो, हमारे जो पेज है उसकी इंस्टाग्राम की आईडी पर चले जाओ, अगर आपको वो भी नहीं करना है, उसके बाद मेल दिया हुआ है, अगर आपको वो भी नहीं करना है, उसके बाद टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, अगर आपको वो भी नहीं करना है, आपको टेलीग्राम का नाम दिया हुआ है, टेलीग्राम का पर्सनल नाम दिया हुआ है, अगर आपको वो भी नहीं करना, हमारे डिस्कशन ग्रुप का नाम दिया हुआ है, ठीक है, वहां पर चले जाओ, अगर वो भी नहीं करना है तो भाई रहने दो। आप मेल कर सकते हो, चलो एक काम करो, मेल का भी ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है, मेल भी दे दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बताना है कि सर मुझे एनरोल करना है, कॉन्टैक्ट मी, हम लोग आपसे बात करेंगे, ठीक है, आपको बताएंगे, और अगर आपको पसंद आए तो ही आप एनरोल करिए, नहीं तो मत करिए, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, बिगनर्स लेक्चर था ये पूरा का पूरा, हमने आपको बिगनर्स में सब चीज़ें बता दी, स्ट्रैटेजी भी बता दी, पूरा बिगनर्स में बता दिया। और आपको पता नहीं है अभी आपको जो चीज़ें हमने फ्री में दी है ना, जो चीज़ें मैंने अभी अभी आपको फ्री में दी हैं, यही चीज़ के लिए आप लोग 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 तक आप लोग दे देते हो, ठीक है। इसके बाद जो पूरे आगे के लेक्चर्स हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, प्रो, ये तीनों जो हैं, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, प्रो या फिर सुपर एडवांस्ड, जो भी आप कहना कह सकते हो, आखिरी के जो ये तीन पार्ट हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, एंड यहीं पर होता है कि जो लोग सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, एक बार आपको प्राइस एक्शन आ गया ना तो आप नेकेड चार्ट को देखकर कर सकते हो, ठीक है, आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, आप जहाँ चाहे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, प्राइस एक्शन इज द किंग, एक्चुअली में प्राइस एक्शन इज द किंग, ठीक है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि प्राइस एक्शन इज द किंग, तो इसमें समझ लो कि कोई भी गलती नहीं है, एक मिलीमीटर की भी गलती नहीं है, ठीक है। और मैं ये सारी जो सेवा आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें के लिए लोग 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट दे देते हैं, एंड स्टिल 50-50 हज़ार तक भी देते हैं लोग। तो आपको इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट निल है कॉस्ट, सही बता रहा हूँ मैं, इसकी ऑलमोस्ट निल है, आपको कईयों बार कॉस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, स्टिल हम लोग कम्युनिटी इतना फ्री में आप लोगों को देते हैं। अब
ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल गई, लेक्चर्स की लिंक आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी। सो आपको जो भी करना है, अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो सिंपल करना है, मेरे को कॉन्टैक्ट करो एंड 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 क्या करो, जो जो आपको होमवर्क दिया है वो होमवर्क, अच्छा आप भले लेक्चर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आगे के नहीं करना मत करो, पर कम्युनिटी में आप हो नहीं हो, पर जो पेपर ट्रेड आपको दी हुआ है वो आप काम पहले करोगे, और अगले 2 हफ्ते तक आप लोग यही काम करने वाले हो, ठीक है। अगले 2 से 3 हफ्ता आप सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड करोगे, ठीक है। अगर ज़रा सी भी लेतलाई करी तो आपका लॉस है। सिंपल, दिन का एक ट्रेड आपको उठाना है, सिंपल, जो आपको तरीके बताए, तरीके समझ में नहीं आए पीछे जाओ फिर से देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, पर देखो ज़रूर, ठीक है। नहीं समझ में आया मेरे से पूछ लो, पर तभी जब आपने बार बार देखा हो, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा तब जाके देखो। काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों के आते रहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में से हम लोगों ने कुछ सिलेक्ट करी हैं, ठीक है। आप चाहो तो इंस्टाग्राम से क्वेश्चन पूछ सकते हो, टेलीग्राम से क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछना चाहिए यार, आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछते हो आप लोग, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड काफ़ी सारे हम में से कुछ हमने सिलेक्ट करी है, वो क्वेश्चन हम लोग आपको बताते हैं, उनमें से कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। तो एक क्वेश्चन ये आया है, पहला क्वेश्चन ये है कि जब अपन लोग प्रॉफिट कमाते हैं तो उसमें कुछ ब्रोकरेज चार्ज लगता है, बिल्कुल लगता है। तो भाई ये जो ब्रोकरेज चार्ज लगता है ना, ये क्वेश्चन आया है कि अगर अगर ये ब्रोकरेज चार्ज लग रहा है तो उसके बाद भी हम लोग प्रॉफिटेबल कैसे रहें। तो मैं आपको बता दूं, ब्रोकरेज चार्ज बहुत कम लिया जाता है, ठीक है, अच्छे ब्रोकर्स में, डिस्काउंट ब्रोकर में ब्रोकरेज चार्ज बहुत कम लिया जाता है, इसीलिए आपको जितना प्रॉफिट होता है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट आप ही का होता है, तो ब्रोकरेज चार्ज कम है उसकी टेंशन मत लो। एंड अगला क्वेश्चन है कि टाइम, या 9:15 से 9:35 के बीच में आपको कोई सिग्नल मिले तो क्या करना है। देखो, सुपर ट्रेंड में या फिर जो जितने भी अपन ने पैरामीटर्स देखे, सारे पैरामीटर्स अगर फुलफिल हो तभी आपको ट्रेड करना है। दूसरी चीज़, 9:15 से 9:35 के बीच में अगर आपको सिग्नल मिलता है, आपको मिलने वाले बहुत सारे, बाय के सिग्नल मिलने वाले, सेल के सिग्नल मिलने वाले, आपको नहीं करना, सिंपल नहीं करना। सिग्नल मिल रहा है छोड़ देंगे हम, कुछ नहीं, 9:35 तक का वेट करेंगे, अगर वो स्टॉक में मिल चुका है अपन दूसरे स्टॉक में चले जाएंगे, पर कभी भी जंप नहीं करेंगे ट्रेड में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्या, हाँ, निफ्टी 50 जब मान लीजिए अगर अपन लोग 11 बजे देख रहे हैं, ठीक है, निफ्टी 50 अगर 11 बजे अपन लोग टाइम देख रहे हैं, 11 बजे का है, और अपन लोगों को सिग्नल मिलता है, ठीक है, सिग्नल मिलता है कोई सा भी, बट अपन लोगों को निफ्टी 50 कौन सा देखना है, 9:35 वाला देखना है या फिर 11 या 12 बजे वाला देखना है। तो मैं आपको बता दूँ, जिस भी टाइम पर आप ट्रेड कर रहे हो ना, आपको वही टाइम पर देखना है, जिस भी टाइम पर, मान लीजिए आप 9:15 पर कर रहे हो तो आपको 9:35 पर कर रहे हो तो आपको 9:35 का ही देखना है, 9:15 पे तो करना ही नहीं है। अगर आप 11 बजे कर रहे हो तो आपको 11 बजे का ही टाइम देखना है, निफ्टी 50 की वैल्यू देखनी है, 11 बजे का टाइम देखा, निफ्टी 50 की वैल्यू देखी। तो जितने बजे आप करोगे, आप 1 बजे कर रहे हो तो 1 बजे की ही निफ्टी 50 की वैल्यू देखनी है। अगर निफ्टी 50 पॉजिटिव में तो आप अप ट्रेड लोगे, नेगेटिव में आप डाउन ट्रेड लोगे, बीच में तो कोई ट्रेड नहीं लोगे, सिंपल। सारे पैरामीटर्स फुलफिल होंगे तभी आप ट्रेड लोगे, ऐसा नहीं कि कोई एक नहीं हो रहा आपने बोला चलना कोई बात नहीं, नहीं, कभी भी आपने आपको पुश नहीं करना है। देखो सिंपल सी चीज़, आप लोग मेरे कोर्स में लो ना लो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी ट्रेडिंग में अपने आपको पुश नहीं करना है आगे की तरफ कि यार ले लेता हूँ, यार ले लेता हूँ, यार ले लेता हूँ, नहीं। जब तक आपके पूरे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते, आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। पूरे क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तो ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगी यार, ऐसा आप लोग सोचे, मैं नहीं सोच रहा, ठीक है। जब तक पूरे क्राइटेरिया नहीं होते हैं, ठीक है, देखो अपन को बैठे रहना है, अपन को ट्रेड के पास में नहीं जाना है, ट्रेड को अपने पास में आने दो, पुश मत करो यार अपने आप को, लेट द ट्रेड कम टू यू, आपका ट्रेड आपको ढूंढता हुआ आएगा, आपको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपका ट्रेड आपको ढूंढता हुआ आएगा, मैंने आपको बस तरीका बताया है ये, ठीक है। ऑलराइट, अगला है क्या, या सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50। देखो मैं आपको बता दूं, अभी के लिए स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 में जुड़े रहो, निफ्टी 50 के काफ़ी सारे अच्छे फायदे होते हैं, या मैं अभी आपको नहीं बताने वाला क्योंकि एडवांस लेक्चर में आप लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50, ठीक है, नो सेंसेक्स, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50। अगला क्वेश्चन, सेगमेंट, या सिर्फ और सिर्फ इक्विटी कैश, इक्विटी कैश के अलावा कहीं और दूसरी जगह पे नहीं जाना है, इक्विटी कैश में ही जुड़े रहो, इक्विटी कैश, इक्विटी कैश, इक्विटी कैश, स्टॉक्स उठाने हैं करना अपन का, इक्विटी कैश। ऑलराइट, तो हाँ,
अपन लोग +0.25 और -0.25 का क्यों ले रहे हैं? देखो अपन लोग ये मान के चल रहे हैं +0.25 या इससे ऊपर है, अगर मार्केट +0.25 या फिर इससे ऊपर है तो ये अप ट्रेंड में है, ट्रेंड में है ना, अपन को ट्रेंड को राइड करना है, ठीक है। और अगर -0.25 या इससे कम है तो अपन मान के चल रहे हैं कि डाउन ट्रेंड में। आप बिगनर हो अभी, आपको सिर्फ यही चीज़ याद रखने की, अगर ये ऊपर है तो अप ट्रेंड में मान लेते हैं, नीचे तो डाउन ट्रेंड में मान लेते हैं। असली में है या नहीं ये तो आप बाद में जब एडवांस्ड हो जाओगे ना तो आप खुद देख के बताओगे, नेकेड चार्ट्स को रीड करोगे, आप निफ्टी 50 के भी नेकेड चार्ट्स को ही रीड करके बताओगे अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो अपन ये मान के चल रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि अभी के लिए बिगनर्स बिगनर स्टेज में +0.25 पर और ये -0.25 पर स्टिक टू इट, स्टिक टू इट, जस्ट इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। इससे ज़्यादा है तो बाय सिग्नल लेंगे, इससे कम है तो सेल सिग्नल लेंगे, दोनों के बीच में है तो कुछ नहीं लेंगे क्योंकि साइडवेज है मार्केट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, हाँ, अगर आपका जो बाइंग ऑर्डर है वो ट्रिगर नहीं हुआ तो क्या आपको चेज करना है? भाई चेज नहीं करना है, कभी भी स्टॉक्स में चेजिंग नहीं करनी है भाई, बिल्कुल भी चेजिंग नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं चेजिंग से बहुत लॉस हो जाएगा, आप लोग फॉल्स ब्रेकआउट में पहुंच जाओगे, कई बार फॉल्स सिग्नल मिलेंगे आपको, तो आपको बहुत लॉस हो जाएगा। चेजिंग कभी नहीं करनी है, स्टॉक्स को कभी नहीं चेज करना है, ठीक है। अपने आप को पुश नहीं करना, स्टॉक्स को आने दो अपन के पास, ठीक है। और देखो आई कैन मेक द लॉस अबव माई अकाउंट, देखो आपका जितना भी अकाउंट है ना, आपका मान लो अकाउंट है कुछ 10,000 रुपीज, ठीक है। जब आपके अकाउंट में पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे, ठीक है, मान लो सपोज करो 0 रुपीज़ बचे, तो आपका जो ब्रोकर है आपको वार्निंग देगा, तुरंत आपका ब्रोकर आपको वार्निंग देगा कि आपके अकाउंट में महाराज जी 0 रुपया बचा है, या तो आप और पैसा डालो या फिर मैं ट्रेड को बंद कर दूंगा। तो अगर अगर नेगेटिव में जा रहा होगा ना तो अपने आप ट्रेड को कैंसिल कर देगा, ठीक है। वो इतना वो लोग भी नहीं करने देते, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। जितना ना आपके अकाउंट में पैसे हैं उससे ज़्यादा आपको लॉस हो ही नहीं सकता, पर स्टिल स्टॉप लॉस अपन लगाते कि ताकि वो कैपिटल को अपन को बचा सके। और वही चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ ना, वही चीज़ें तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसकी चिंता मत करो, वो चीज़ें मैं सिखाऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सीखने पे फोकस करना है, सीखने पे पूरा डेडिकेशन देना, जो काम मैंने आपको दे रहा हूँ है ना, हर लेक्चर के बाद मैं आपको एक काम देने वाला हूँ, तो आपको वो काम करना है, जो जो काम आपको मिलेगा आपको वो काम करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपका लॉस है भाई, ठीक है। आप जंप कर सकते हो लेक्चर्स को, ठीक है, विश है आपकी, ठीक है, आप मेरे से लेक्चर्स की परमिशन मांगो मैं दे दूंगा। आपको खुद को देखना है, खुद का भला चाहते हो ना भाई, तो लेक्चर्स को जंप नहीं करना है। मैंने बोला अगले 2 से 3 हफ्ता पेपर ट्रेड, तो 2 से 3 हफ्ता पेपर ट्रेड सर ने कहा है, पलाश ने कहा है, पलाश सर ने कहा है 2 से 3 हफ्ता पेपर ट्रेड, सिंपल, उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो बस बात खत्म। अब अगले पर आते हैं अपन, देखो मैंने आपको बताया ना 0.25 से -0.25 के बीच में है अगर, तो आपको क्या करना है, अगर आपको अगर -0.25 और +0.25 इन दोनों के बीच में है तो कुछ नहीं करना है, मार्केट इज साइड वेज, तो भाई कुछ नहीं करना है, सिंपल बंद करो अपना सिस्टम और घर चले जाओ, मतलब घर पर तो हुई तो कुछ भी करते रहो, अपना काम लगाओ, कपड़े धो, मोबाइल चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, पर नहीं करना है कुछ भी ट्रेड, अगर इन दोनों के बीच में है तो आप ट्रेड नहीं करोगे। हाँ अगर मान लो 9:35 पर आपने देखा कि 0.1 है, मान लेते हैं 0.1 है इन दोनों के बीच में है, मैं इसको क्लियर करता हूं एक बार, 9:35 पर आपने देखा क्या कि 0.1 है ना, 0.25 -0.25 है ना, इन दोनों के बीच में है, 0.1 है, तो आपने बोला ट्रेड नहीं कर रहा, ठीक है। सपोज करते हैं आप 11 बजे आए, 11 AM पर आए और आपने देखा कि 0.5 पहुंच गया समथिंग, ठीक है, +0.5 पहुंच गया, तब आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, तो तब आप ट्रेड ले सकते हो, नो वरी, आप वॉच कर सकते हो, थोड़े थोड़े टाइम में आप वॉच करते रहना निफ्टी की वैल्यू कितनी हो रही, निफ्टी 50 की वैल्यू कितनी रही, जब निफ्टी 50 की वैल्यू इससे ऊपर निकले तब आप बाय लेना, जब इससे नीचे निकले तब आप सेल लेना, बस स्टिक टू इट, स्टिक टू इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना, बस बात खत्म, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना मेरे भाई, बात खत्म, मेरी बहन बात खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो
अगली क्लास कब होगी? अगली क्लास 2 से 3 हफ्ते बाद होगी, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको चीज़ें बता दी जाएंगी। एक बार आप एनरोल करोगे तो आपको व्हाट्सएप पे पर्सनली बता दिया जाएगा कि अगली लेक्चर है, ठीक है। आप अटेंड कर सकते हो, अगले लेक्चर की लिंक आपको मिल जाएगी, सारी चीज़ें डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, डेली न्यूज़ आपको मिल जाएंगी, सब चीज़ें मिल जाएंगी एक बार आप एनरोल कर लोगे हमारे साथ। तो नीचे फॉर्म दिया हुआ, उसको जल्दी से फिलआउट करो एंड मैं आपको पर्सनली मिलकर बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। आप इंटरेस्टेड हो करना, नहीं करना मत करना, ठीक है। अगले पे आते हैं मैं। ऑल राइट, अगर आप 2 महीने से ज़्यादा किए हुए हो तो भी पेपर ट्रेड तो मेरे भाई करना ही पड़ेगा। पेपर ट्रेड देखो, पेपर ट्रेड से मैं आपको कुछ ट्रेडिंग की मेथड नहीं सिखा रहा हूँ, पेपर ट्रेड से मैं आपकी साइकोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। मैं आपकी साइकोलॉजी चेंज कर रहा हूँ पूरी की पूरी, कि कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है, ठीक है। जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं आपको उसी पर ही जुड़े रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना, अब मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्या होगा ना, सिग्नल मिलेगा आपको, ठीक है। मान लो क्रॉसओवर हो गया, मैं यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन लेता हूँ, आपको बाय का क्रॉसओवर हो गया, यहाँ पे ग्रीन कलर की रेड लाइन आ गई, 5 मूविंग एवरेज, यह है 20 मूविंग एवरेज, तो ये आ गई एंड यहाँ पे बाइंग का क्रॉसओवर हो गया, या ओके बाइंग का क्रॉसओवर हो गया। तो मान लो ये बाइंग का क्रॉसओवर हो गया, ठीक है, सुपर ट्रेंड ने सिग्नल नहीं दिया, तो आप क्या करोगे ना, आपका मन क्या बोलेगा, यार छोड़ना हो गया, पुश कर दे, भाई पुश नहीं करना है आपको, स्टिक टू इट। जो स्ट्रैटेजी दी है, पहले ये क्रॉसओवर होना चाहिए, सबसे पहले ये क्रॉसओवर होना चाहिए। कई बार पता क्या होगा, सुपर ट्रेंड ने पहले सिग्नल दे दिया, उसके बाद ये वाले आपको सिग्नल मिला, तो आप क्या बोलोगे पता, पुश करो, हो गया, मान लो, नहीं मानना ही नहीं है भाई, मानना ही नहीं है। आप क्या करना है, पहले ये क्रॉसओवर होगा, उसके बाद सुपर ट्रेंड देगा बाय का सिग्नल, उसकी अगली कैंडल पर आप लोगे एंट्री, यह है बाइंग प्राइस, और जब ही गणेशी की नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल के नीचे पहुंच जाए तब आप करोगे क्या, सेल, उसकी अगली कैंडल की ओपनिंग पर कर दोगे सेल, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी पर अड़े रहना है आखिरी तक, ठीक है, जो भी हो आपको आखिरी तक अड़े रहना है बस, ठीक है। उसके बाद तो मैंने आपको जैसा बताया, आपने बोला कि 2 हफ्ते हो चुके हैं, 2 महीने हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, भाई देखो मैं आपकी साइकोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है काम करने में, ठीक है, आपको ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, तभी आप होना मेरे साथ में, तभी आप ये लेक्चर देख रहे हो, बिगनर्स का देख रहे हो, ठीक है। तो मैं आपकी पूरी साइकोलॉजी पे, आप लोग की थिंकिंग प्रोसेस चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भाई मेरे को मेरा काम करने दो ना। अगर अगर देखिए मैं अपना काम ढंग से नहीं कर पाया तो आपका लॉस होगा, मेरा नहीं होगा। अगर आपने ढंग से नहीं किया तो भी आप ही का लॉस होगा, मेरा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, स्ट्रिक टू माई स्ट्रैटेजी, जो मैंने आपको बताया है वही करना है। अगर नहीं हो रहा है, ट्रेड नहीं लूँगा, दूसरे स्टॉक पर देखूंगा, ठीक है, या फिर कभी और जाऊँगा, या कल जाऊँगा, आज नहीं मिली कोई बात नहीं, पर स्ट्रिक टू दी स्ट्रैटेजी, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, कम्युनिटी मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें हम लोग बोनस लेक्चर्स डालने वाले हैं, न्यूज़ डालते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें उनको टाइम टू टाइम मिलती रहती है, अपडेट मिलता रहता है पूरी चीज़ों का। पर्सनली हम लोग उनको व्हाट्सएप पर या फिर कॉल के थ्रू बताते हैं, ठीक है, वो लोग जैसे भी बोले कि हमको व्हाट्सएप पर जाना है, कॉल पर जाना है, तो हम लोग वैसे उनको बताते हैं कि भाई आपके लेक्चर का टाइम हो गया, आप लोग अब देखिए, कब देखिए, अगला लेक्चर कब देखिए, कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना आपको, कोई डाउट आ रहा है तो बता दीजिए, पूछ लीजिए, तो ये होता है, ठीक है। तो एक आपसी मेल हो जाता है, हम लोग पर्सनल मेंटरशिप दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इतना चीपेस्ट कहीं नहीं मिलने वाला, लिख के ले लो, लिख के ले लो। अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा है ना, अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा, यहाँ तक ये वीडियो देखा है, तो पूरा पूरा फ़ायदा उठा लो भाई। कितने लोगों ने स्किप कर दिया होगा ये वीडियो को, ये सोचो, जितने लोगों ने स्किप कर दिया सबका लॉस होने वाला है, आपका फ़ायदा होगा। आप देख लो ये वीडियो, ठीक है, आप फिल कर दो फॉर्म, आप चले जाओ मेरे इंस्टाग्राम की लिंक पे, टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम का सर्च का नेम दिया हुआ भाई, कॉपी करके पेस्ट कर दो यार, इतना सा नहीं कर पा रहे आप लोग। फ़ायदा चाहिए ना, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा यार, आपको बस पेस्ट करना है, अब इतना भी नहीं कर पा रहे, नाम बताना खुद का वो भी नहीं बता पा रहे, तो भाई क्या हो पाएगा, ज़िंदगी में क्या करोगे फिर आगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग छोड़ दो भाई, सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग छोड़ दो, अगर करना है तो भाई इतना अच्छा मौका दे रहा हूँ, कहीं नहीं मिलने वाला, सही बता रहा हूँ, इतना चीप, इतने सही फैसिलिटी के साथ सारी चीज़ें, पर्सनल मेंटरशिप सब कुछ मिल रहा है, तो भाई ये कहीं नहीं मिलने वाला है, ये बात याद रखो। टीम पर्सनली रिप्लाई कर रही है आपको, नोटिफाई कर रही है, और क्या चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन, और अबाउट द कोर्स, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर की शुरुआत में बताया था कोर्स में अपन लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, एंड वहाँ पे आप चाहो तो वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल गया होगा।
तो वहां पर आप जाकर के देख सकते हो लिंक, या तो अभी भी अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर देख रहे हो तो आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाना, आपको मिल जाएगा बिगनर्स में, तो वहां पर से जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। फिर ये नहीं, स्विंग ट्रेड के लिए नहीं है ये चीज़, स्विंग ट्रेड के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डे ट्रेडिंग पे आपको करनी है, ठीक है। क्योंकि देखो यार, स्विंग ट्रेडिंग पर निफ्टी 50 का परसेंटेज आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग पर ये स्ट्रैटेजी नहीं अप्लाई करनी है, सिर्फ और सिर्फ डे ट्रेडिंग पे करनी है, ठीक है। फॉरेक्स पर नहीं, फॉरेक्स पर नहीं, फॉरेक्स पर नहीं जाना, इक्विटी कैश, ओनली इक्विटी कैश, फॉरेक्स पर नहीं जाना, इक्विटी कैश, सिर्फ इक्विटी कैश पर जुड़े रहना है, अड़े रहना है, डटे रहना है, सिंपल। इक्विटी यानी कि स्टॉक्स, शेयर्स, ठीक है, रिलायंस हो गया, ITC हो गया, नॉर्मल स्टॉक्स पे जाना है, ठीक है। इक्विटी कैश, सिंपल। हाँ, हीकन ऐशी का प्राइस अलग होता है, हीकन ऐशी का प्राइस अलग होता है, नॉर्मल प्राइस से अलग होता है। हीकन ऐशी का देखिए एक अलग कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है हीकन ऐशी का, डिफरेंट होता है, आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हीकन ऐशी का फॉर्मूला डिफरेंट होता है, ये एक एवरेज प्राइस होता है, इसीलिए ना ये पूरे वॉल्यूम को हटा करके अब एवरेज एवरेज सही सही दिखाई देता है। तो रियल में देखो, रेड कैंडल बनी है और ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो दोनों को मिला करके एक ग्रीन कैंडल दिखाई, इस तरीके से इसका एक एवरेज फार्मूला होता है, आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल याद रखो, क्या हीकन ऐशी का प्राइस जो है वो अलग होगा, डोंट वरी अबाउट इट। आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करना है, रियल ट्रेडिंग नहीं करनी है भाई। हाँ, हीकन ऐशी का प्राइस अलग है, तो भाई ट्रेडिंग नहीं करनी है ना, रियल ट्रेड नहीं करना है, तो आपको ट्रेड अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो भाई असली में तो वैसे भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा ना, पेपर ट्रेडिंग करनी है। जब आपको बाइंग सिग्नल मिला है, सुपर ट्रेंड का बाइंग सिग्नल मिला है, उसकी अगली कैंडल पर एंट्री लेनी है, स्टिक टू इट, जस्ट स्टिक टू इट, और कुछ नहीं सोचना है आपको, सिर्फ और सिर्फ तभी लेना है जब मैंने बताया तब एग्जिट करना है, तब करना है, बस बात खत्म, ठीक। अगला क्वेश्चन। हाँ देखिए, लॉस होंगे ना, लॉस तो हो सकते हैं, लॉस को आप अवॉइड नहीं कर सकते। देखो, स्टॉक मार्केट में कई बार लॉस होते हैं, मैं भी लेता हूँ, तो मेरी भी कुछ ना कुछ ट्रेड्स गलत होती है। देखिए, मैं भी 15 से 20 ट्रेड लेता हूँ, मेरी एक या दो ट्रेड्स गलत हो ही जाती है, बट हर लॉस से अपन कुछ ना कुछ लेसन मिलता है। तो स्टॉप लॉस इसीलिए तो लगाया ना अपन ने, स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, इसलिए तो लगाया हुआ है, क्यों, स्टॉप लॉस लॉस को बचाता है, स्टिक टू स्टॉप लॉस भाई। स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हुआ, आपको ट्रेड एग्जिट करना है, आपका ब्रोकर जो आपने ऑर्डर दिया हुआ है ना उसको कि इतने पर लॉस होगा, तो मैं इतने से ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ, और अपने आप ट्रेड को एग्जिट करना, वो अपने आप एग्जिट कर देगा, ठीक है। एंड नहीं, अगर आप लाइव मार्केट पर नहीं कर पा रहे तो आप एक काम करो ना, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। अगर आप बिजी रहते हो, ठीक है, अगर आप बिजी रहते हो, आप लाइव मार्केट पे काम नहीं कर पा रहे, तो एक काम करो, आप मेरे को, मेरे से या तो पर्सनली मिलो, ठीक है, या फिर एक काम करो, जब भी आप घर पहुंचो, कहीं गए होगे ऑब्वियसली, तो जब भी आप घर पहुंचो ऑफिस वगैरह से, या फिर आप जो भी करते हो, हाउस वाइफ हो तो आप काम करती होंगी, ठीक है, तो जब भी आप घर पे फ्री हो, ठीक है, तब आप चालू करो इसको देखना। आपको ट्रेडिंग तो करनी पड़ेगी यार, जैसे तैसे टाइम निकालो बट करो, टाइम निकालो बट करो, स्टिक टू इट, है ना। एंड कई सारी अलग अलग चीज़ें भी होती है, अगर आप मेरे से पर्सनली मिलोगे तो मैं आपको बताऊंगा उसमें, मेरे को मैसेज कर सकते हो आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी मैसेज, आप मैसेज तो करना पड़ेगा ना यार, आप बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो सब चीज़ें कॉमन चैट में, ठीक है, कॉमन चैट में आप लोग डिस्कस कर सकते हो। पर्सनली रिप्लाई दूंगा यार मैं, एक दिन के अंदर रिप्लाई दूंगा, जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूंगा, जितना जल्दी हो सके, बट आपको बताना तो पड़ेगा ना। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो, दिन में काम नहीं कर पा रहे हो, आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, कॉलेज जाते हो, या फिर हाउस वाइफ हो, घर में काम करती हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, या तो मेरे से पर्सनली मिलो, बात करो, ठीक है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देंगे हम लोग, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले आप तब कर सकते हो, टाइम निकाल के कर सकते हो। देखो, लंच तो होता है ना, एक लेक्चर ख़त्म होता है, क्लास में हो अगर आप, एक लेक्चर ख़त्म होता है तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के कर सकते हो, ठीक है, जितना टाइम मिला उतने टाइम में कर सकते हो। लाइव मार्केट में आप करोगे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, या फिर बाद में कर रहे हो, अगर मार्केट ख़त्म होने के बाद कर रहे हो तो आप ध्यान दो, फिर ध्यान से ऑब्जर्व करो चीज़ों को, अपने माइंड में बार बार बोलो कि मैंने तभी एंट्री लूँगी, तभी एंट्री लूँगा, तभी एंट्री लूँगी, तभी एंट्री लूँगी, तो उस तरीके से आप सही पॉइंट पर एंटर करना आपके माइंड को सिखाओगे। बट बेस्ट चीज़ है आप लाइव मार्केट पर करो, जब आप लाइव करते हो ना, प्रैक्टिकल करते हो, तो वो चीज़ जो आप 10 बार करोगे, 20 बार करोगे, 50 बार करोगे, वो यहाँ पर एक बार में कर लोगे आप। तो मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए आपको पेपर ट्रेड करना है, इसलिए पेपर ट्रेड बहुत ज़रूरी होता है। पेपर ट्रेड के बेनिफिट्स मैं आगे बता दूंगा आपको, बट अभी के लिए आपको जानना ज़रूरी नहीं है, पेपर ट्रेड बहुत ज़रूरी है, ये जानो बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है,
पेपर ट्रेड्स में क्या क्या लिखना है, देखो पेपर ट्रेड्स में आपको कुछ नहीं देना है, आपका जो भी चार्ट है ना, ये वाला जो भी एनालाइज हुआ है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट हम लोगों को देना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट हम लोगों को देना है, ठीक। दूसरी चीज़, आपने जो पेपर ट्रेड्स लिया है ना, नाम, निफ्टी फिफ्टी, ठीक है, प्राइस, टोटल लेवरेज कितना है, प्राइस कितना है, बाइंग प्राइस, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट पर शेयर, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, ये दो स्क्रीनशॉट, ये और चार्ट, इन दोनों का स्क्रीनशॉट लेके देना है। क्यों देना है भाई, चार्ट क्यों दूं मैं? देखो मैं, हम लोग, मैं और हम लोग एनालाइज करेंगे उन पे और आपको बताएंगे कि ये सही कर किया है आपने या नहीं किया है, कोई भी प्रॉब्लम आई है तो कहाँ पर आई है, आपने किधर गलत किया है, ये चीज़ गलत थी, आपका सेलिंग प्राइस यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे, तब हम लोग बताएंगे ना। अगर मैं नहीं बताऊँगा तो कोई भी सीनियर जो आपका होगा कम्युनिटी में, वो आपको बता देगा। तो कम्युनिटी में इसलिए आपको बहुत बेनिफिट होता है, इसलिए क्योंकि अगर मैं नहीं हूँ, आपको अलग अलग नए नए ट्रेडर से मिलने का मौका मिलेगा, वो उन लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो आप बनना चाहते हो, ठीक है, कम्युनिटी लाइफ टाइम के लिए, कम्युनिटी लाइफ टाइम के लिए है। और जब तक हम लोग आपकी क्वायरीज को आंसर करेंगे ना, हम लोग नेक्स्ट 6 महीनों के लिए फुल डेडिकेटेड हो करके आपकी क्वायरीज को आंसर करने वाले हैं, फुल डेडिकेटेड टीम हमारी आपकी क्वायरीज को आंसर करेगी एंड आपको पूरा पूरा बेनिफिट देंगे उसका, ठीक है। तो कम्युनिटी में आप एडेड रहोगे लाइफ टाइम के लिए, आप लोग उसके बाद भी आप लोग नए नए ट्रेडर से मिल सकते हो, पुराने ट्रेडर से मिल सकते हो, आपके दोस्त लोगों से मिल सकते हो, तो वो सब चीज़ें हो रहेंगी, हम भी मिलेंगे यार, एक रिलेशन बन जाता है आपका और मेरा, ठीक है, जब आप मिलते हो ना तो रिलेशन बन जाता है आपका और मेरा। तो कुछ भी होता है, सिंपल मेरे को बताओ, सिंपल मेरे को बताओ, हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मैं जब भी कई बार बहुत बिजी रहता हूँ तो मैं आपको थोड़ी देर बाद रिप्लाई करूँगा, लेट रिप्लाई करूँगा, बट मैं रिप्लाई देता ज़रूर हूँ, ठीक है। इंस्टा पर मैसेज करो तो भी मैं रिप्लाई दूंगा, टेलीग्राम पे करोगे तो भी मैं दूंगा, ग्रुप पर डालोगे तो भी मैं करूँगा, हर जगह करूँगा, कमेंट पर डालोगे तो भी मैं करूँगा रिप्लाई, बट आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी, सबसे पहले रिप्लाई हम लोग कम्युनिटी में करते हैं, सेकंड आप लोग जो फॉर्म फिलिंग करोगे ना वहाँ पर से आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, थर्ड उसके बाद बाकी पूरी प्रायोरिटी उसके बाद आ जाती है। अभी तो आपको जब करना है तो आपको हमको बताना पड़ेगा एंड हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई करें, ठीक है, विद इन 24 आवर्स भी हम लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। आप लोग नंबर जो भी डिटेल्स देना है मैसेज में दे दीजिए, अगर आप पब्लिक पे अपना मैसेज नहीं डालना चाहते, गर्ल्स स्पेशली, गर्ल्स अगर आप पब्लिक में कमेंट में अपना मैसेज नहीं डालना चाह रही, नंबर नहीं डालना चाह रही, तो आप टेलीग्राम पे मेरे को पर्सनली भेज सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे पर्सनली भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी नीचे दी हुई है, इंस्टाग्राम का यूज़र नेम नीचे दिया हुआ, भाई कोई भी एक चीज़ यूज़ कर लो आप बहन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ, स्टॉक एडवाइजरी बिल्कुल भी मत जाओ, आपको बहुत सारे कॉल्स आने वाले, एक बार आप रजिस्टर करना चालू करोगे ना, बहुत सारी जगह जगह से कॉल आने लगते हैं, लीड्स वो लोग जनरेट करने लगते हैं, तो आपको जगह जगह से कॉल आएंगे, हम लोग एडवाइजरी प्रोवाइड कर रहे हैं 10%, 20%, 30%, ठीक है। और भाई उन पे कभी भी मत जाओ, मैं आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टिक टू इट, जो जो स्ट्रैटेजी आपको बताई जा रही है उस पर स्ट्रिक्ट रहना है और पूरा पूरा फायदा लेते जाना है। ये आप फॉर्म फिल कर सकते हो ना, या स्टार्ट कर सकते हो, या आप लीव कर सकते हो, अगर आपकी क्वायरी हो चुकी है तो आप लीव कर सकते हो, एंड आप एक लीव कर दो, उसके बाद क्या करो, फॉर्म को है फिलअप कर लो, और या फिर मेरे को कॉन्टैक्ट कर लो, कैसे भी हो बता सकते हो, एंड या अब लोग वीडियो को क्लोज करने वाले, या बाय बाय बाय, ऑल राइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।